हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिसकैरेज के बाद आप दोबारा से कंसीव कब कर सकते हो। मिसकैरेज मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो आप दोबारा से कंसीव कब कर सकते हो या दोबारा से कब बेबी प्लान कर सकते हो। क्योंकि इस पर ना मेरे पास बहुत से कॉमेंट आ रहे थे कि जैसे अबॉर्शन हो गया या मिसकैरेज हो गया है तो उसके बाद हमें जल्दी से जल्दी बेबी करना चाहते हैं तो हम कब तक कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर आपका फर्स्ट 3 मंथ्स में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम तक वेट करना है। क्योंकि अगर मिसकैरेज तब हो जाता है तो जो भी क्लीनिंग की जाती है या तो मेडिसिन के थ्रू की जाती है या यूट्रस की क्लीनिंग की जाती है तो उसमें आपको ऐसा कोई कट नहीं लगाया जाता या कुछ ऐसा सर्जरी नहीं की जाती है। तो इसलिए आपको उस टाइम पे एक तो बेड रेस्ट की ज़रूरत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट 6 वीक्स में कह लीजिए जो भी मिसकैरेज होते हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बेबी हेल्दी नहीं था, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ थी तो उसको वो आगे ग्रो नहीं कर पाता है तो उसको नेचर अपने आप ही ख़त्म कर देती है। इसके लिए खुद को ब्लेम करना मतलब वो सही नहीं है कि हमने ऐसे कुछ किया जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ऐसा नहीं कि अपने से कुछ भी आपको मेडिसिन ले लेनी है, डॉक्टर ही मेडिसिन देते हैं इसके लिए। आपकी जो भी यूट्रस की क्लीनिंग होती है वो डॉक्टर ही परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मतलब बेड रेस्ट की ज़रूरत है। आप उसके बाद मतलब नेक्स्ट जब भी आपका साइकिल रहता है तब आप प्लान कर सकते हो। बट डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप आपको रखना है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे मिसकैरेज के बाद आपकी जो बॉडी है वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद। आपको ब्लीडिंग तो होती ही है, अगर क्लीनिंग के लिए आपको जो भी मेडिसिन दी गई है तो आपको ब्लीडिंग होगी तो उसमें क्रैम्पिंग बहुत होती है। और दूसरा ये होता है कि आपको मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं उस टाइम पर, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं उस टाइम पर बहुत फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और आपका HB जैसे ब्लड लॉस बहुत हो जाता है उसमें। तो इसलिए आपका HB नॉर्मल लेवल पर आने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली आपको प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम आपको लेना चाहिए। इसलिए ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको 3 मंथ्स का गैप एटलीस्ट रखना चाहिए। और इसी के साथ ही जैसे अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है कि 3 मंथ्स का गैप आप रखो, उसके बाद आप बेबी प्लान कर सकते हो, तो ये होता है कि डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं, कुछ प्रीनेटल विटामिन्स आपको रिकमेंड करते हैं कि जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो आपकी सक्सेसफुल रहे, आपकी हेल्दी रहे। अगर आप कंसीव करने से पहले दोबारा से डॉक्टर से रिकमेंड नहीं करते हो तब भी आपको अपने एंड पे ही जा करके ये सब टेस्ट आपको करवा लेने चाहिए, क्योंकि आपका HB जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। उसके साथ ही डायबिटीज़, थायराइड और ब्लड प्रेशर ये आपको टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मिसकैरेज हो जाता है तो दोबारा से वो ही कॉम्प्लिकेशन दोबारा से ना हो। इसलिए आपको प्रीनेटल विटामिन आपको कंसीव करने से पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। उसमें स्पेशली यही रहता है फॉलिक एसिड, क्योंकि इसकी कमी से बर्थ डिफेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और डायबिटीज़, थायरॉयड अगर ये आपका पहले से कंट्रोल में रहेगा तो आपकी प्रेगनेंसी भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी, आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और इन 3 महीनों में ही आप अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे आप काम कर सकते हो कि आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। और इसी के साथ ही अपनी डाइट पे आपको खास ध्यान देना है कि आपकी जो अगर आप दोबारा से बेबी आप प्लान करोगे तो वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहे। तो इसके लिए आप अपनी बॉडी को पहले से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी मिसकैरेज होता है वो ऐसा नहीं है कि आपकी किसी गलती की वजह से हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि यही दिमाग में बात बैठ जाती है कि यार मैंने ऐसा क्या किया है या मुझे ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए थी या कुछ भी ऐसे है कि हम खुद को दोष देने लगते हैं कि मेरी किसी एक्टिविटी की वजह से ऐसा हो सकता है। जैसे डिप्रेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस टाइम पर वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना गैप अगर आप अपनी बॉडी को देते हो डॉक्टर की सलाह से तो आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे आप लोगों का ये भी कमेंट आता है कुछ लोगों का कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हम आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप चैनल पर जहाँ पर सब्सक्राइब बटन रहता है उसके साथ एक ज्वाइन बटन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मुझसे बात कर सकते हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।